अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू अन न्यू वीडियो। आई होप कि आप लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह ताला के फजल करम और आप लोगों की दुआओं से बेहतर खैरियत से हूँ। तो आज मैं मौजूद हूँ डीए खान में और आपको दिखाता हूँ जिस कमरे में मैंने स्टे किया है। तो आपको डीए खान का मैं वो रूम दिखाता हूँ, ये सिंगल रूम है, और आपको बताएँगे इसके कितने चार्जेज हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जी अल हबीब होटल में। ये 3 फ्लोर का होटल है। इसके बिल्कुल सामने आप देखें पाकिस्तान होटल है। अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो आप डीए खान के मेन रोड से जब आएंगे तो कोनवाला बाज़ार में, तो यहाँ पर ज़्यादातर हलवे की दुकानें सुबह का टाइम है, सब दुकानें ज़्यादातर बंद पड़ी हैं। तो थोड़ा सा 2 मिनट की आप वहाँ करके आगे आएंगे तो यहाँ से आपने राइट साइड पर टर्न लेना। तो राइट साइड पर आप टर्न देंगे यहाँ से तो बिल्कुल सामने आपको अल हबीब होटल जो है वो नज़र आ जाएगा। यहाँ पर गाड़ियों की पार्किंग के लिए आप देख सकते हैं काफ़ी वसी जगह मौजूद है इनके पास। ये सिंगल पर्सन रूम है, आप देख सकते हैं एक सिंगल बेड यहाँ पे पड़ा हुआ है, जबकि इसके सामने की तरफ एक विंडो दी गई है और छत पर एक AC DC पंखा लगा हुआ है। अगर बिजली नहीं भी होती तो ये UPS पे चल रहा होता है ये पंखा। और रूम के साथ ही एक साफ़ सुथरा जो है वो आप देख सकते हैं वॉशरूम भी है। ये आप देख सकते हैं होटल की रेट लिस्ट लगी हुई है, इसमें AC रूम और नॉन AC रूम दोनों की फैसिलिटी मौजूद है। इसके अलावा होटल की जो इंस्ट्रक्शन वगैरह हैं वो भी मेंशन की गई हैं, वो भी आप देख सकते हैं। तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो, उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।